घरों की लोकेशन ये है कि ये डी ब्लॉक के पार्क के फेसिंग पार्क बन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी स्पेस है एंड दैट मेक्स इट अ वेरी गुड पॉइंट कि 5 मरले के अंदर आपको इतना बड़ा रूम नहीं मिलता। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इस्तेमाल किया गया हुड, इस्तेमाल किया गया वो सुपर एशिया का यूज़ किया गया जो कि इस वक्त सबसे अच्छी क्वालिटी का मार्केट में इस टाइम इन है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तानियों, हम आपको अपने इस YouTube चैनल से मुख्तलिफ अपडेट्स देते रहते हैं, आपको रियल इस्टेट से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, लैंड डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको अपडेट देते हैं। व्यूअर्स, आज जो मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रूशल और सेंसिटिव एक मामला है। DHA जिसके एक फेस में मैं अभी मौजूद हूँ, हम लाइव यहाँ पर खड़े हैं, एक इम्प्रेशन है कि 5 मरले का घर जो कि एक स्टैंडर्ड एक अच्छी लिविंग के लिए आपको चाहिए, मिनिमम 5 मरले का घर, ये 2.5 करोड़ से कम का DHA में मिलता नहीं है इस वक्त एज ऑफ राइट नाउ करंटली मार्केट के अंदर। एक इम्प्रेशन है, एक मार्केट का रेट ही उस घर का इतना ही है किसी भी DHA के फेज में चले जाएंगे तो एक आम आदमी की पहुँच से ऑलमोस्ट इट इज़ गेटिंग आउट ऑफ द रीच। अगर मैं आपको ये कहूँ कि 2.5 करोड़ से कम की रेंज के अंदर DHA के ही इस फेज के अंदर आपको 5 मरले का ब्रांड न्यू घर मिलेगा तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। टू पुट द वेट ऑन माय स्टेटमेंट, मैं आपको इसकी लाइव लोकेशन पे लेके जाऊंगा। हम लोग मौजूद हैं DHA फेज 12 के डी ब्लॉक के अंदर और ये डी ब्लॉक का कमर्शियल है। अभी बिल्कुल इसके साथ ही मेन अप्रोच के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो 5 मरले के घर हैं इस मेन अप्रोच से हम अभी अंदर जाएंगे एंड वी विल गिव यू अ लाइव अपडेट और आपको घर के अंदर से वीडियो भी दिखाएंगे। तो चलिए, आपका टाइम जाया किए बगैर लेट्स गो टू द लोकेशन ऑफ 5 मरला हाउसेस। हाँ जी, तो व्यूवर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बैक साइड पे ये डी ब्लॉक की मार्केट थी और बिल्कुल मार्केट के मेन अप्रोच से अभी हम यहाँ से सीधा जाएंगे एंड विल टेक अ राइट टर्न, तो हमारा प्रोजेक्ट आ जाएगा जो कि बिल्कुल ही मार्केट से कमर्शियल से बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर है। आप समझ लो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है कमर्शियल से और ये 5 मरले के घर हैं और इसमें ये है कि जब हम इसकी लोकेशन पे जाएंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, अंदर से आपको दिखाएंगे और पिछले 6-8 महीने के अंदर इस डी ब्लॉक के अंदर भी डेवलपमेंट कर दी है DHA वालों ने और सबसे मज़ेदार किस्म का फैक्टर ये है कि ये प्लॉट्स भी जो यहाँ पर अभी आपको आसपास नज़र आ रहे हैं ये भी ये ऑन ग्राउंड आ चुके हैं, तो यानी कि ये सारे का सारा एरिया फुल फ्लैज ऑन ग्राउंड आ चुका हुआ है EME सोसाइटी का। तो अब हम अपने साइट के ऊपर पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर फिर मैं आपको वीडियो में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, आपको दिखाता हूं। ये देखिए हम आगे, ये हमने यहां से लिया राइट लेफ्ट लिया और अब ये राइट साइड पे जब आप जाओगे ना तो ये हसनैन घर आ गया सर, दीज आर द हाउसेस, ठीक है, ये घर है, ओके, ठीक है जी, ये घर बन रहे हैं सारे के सारे। हाँ जी व्यूअर्स, अब हम मौजूद हैं इस वक्त लाइव साइट के ऊपर जहाँ ये घर बन रहे हैं और इसमें से जो 3 घर हैं वो रेडी हो चुके हैं एंड एज ऑफ राइट नाउ जब हम लोकेशन पे पहुंचे हैं आई अराइव टू नो कि एक घर सेल आउट भी हो चुका है। ये EME सोसाइटी यानी कि DHA फेज 12 का डी ब्लॉक है और इन घरों की लोकेशन ये है कि ये डी ब्लॉक के पार्क के फेसिंग पार्क बन रहे हैं, यानी कि अगर हम इनको देखें तो ये इन घरों की ये लोकेशन के बिल्कुल सामने फेसिंग पार्क है और जो डेवलपर्स हैं इस घर को भी डेवलप करने की और इसके अलावा ये सामने पार्क को भी डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की ही है, इन्होंने करवाना है। अभी यहाँ पर गैस की और PTCL की लाइन्स जो हैं वो यहाँ पर प्लांट की जा रही हैं, दैट मीन्स कि आने वाले टाइम में जस्ट आफ्टर अ फ्यू डेज समझ लें या आफ्टर अ फ्यू मंथ समझ लें आपके यहाँ पर गैस और इंटरनेट की जो PTCL की फैसिलिटी है वो भी आ जाएगी वेरी सून। तो अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आपको अंदर लिए चलते हैं। बेसिकली वैसे इसमें 4 डिज़ाइन हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो जब आप हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो हम आपको गाइड कर देंगे। फिलहाल जो रेडी मॉडल हाउस है हम उसके अंदर चलते हैं
और जो दूसरे घर हैं जो ग्रे स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर भी सेम इसी तरह है कि 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर आपको फिनिशिंग करके दे दी जाएगी अगर आप परचेज करते हैं तो। लेट्स गो इनटू द मॉडल हाउस और आपको अंदर से वो भी दिखाते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, घर के अंदर अब हम लोग मौजूद हैं। बेसिकली 25x45 इस घर की डायमेंशन है, 5 मरले की जो होती है। सबसे मज़ेदार इस घर की लुक्रेटिव बात यह है कि यहाँ पर अभी एज ऑफ राइट नाउ DHA का रूल ये है कि जब आपने 5 मरले की कंस्ट्रक्शन करनी है आपने गली छोड़नी है। यहाँ पर स्पेशल परमिशन लेके जितने मॉडल हाउसेस बन रहे हैं इनमें वो गली नहीं है, यानी कि वो जो आपने एक्स्ट्रा 3-4 फुट की गली छोड़नी थी वो नहीं है। उसका क्या बेनिफिट हुआ है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अब हम अंदर चलते हैं। यूजुअली जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो गली कवर हुई है उसकी वजह से इस घर के अंदर एक जो रूम्स हैं उनको ज़्यादा स्पेस मिली है। अभी हम इसके TV लॉन्च में मौजूद हैं, ये अमूमी ज़रा स्पेस से ज़्यादा बड़ा TV लॉन्च है। इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आर्किटेक्चर का वर्क यूज़ हुआ हुआ है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हुई भी है, A+ क्वालिटी का मटीरियल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इंटरबोर्ड जो है उसका फर्नीचर यहाँ पर यूज़ किया गया जो आगे वहाँ पर अंदर इस्तेमाल हो रहा है किचन के अंदर, और इसके अलावा सोनिक्स और उसकी पोटा के यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। सैनिटरी के जितने भी इक्विपमेंट्स जो सैनिटरी की चीज़ें इंस्टॉल होती हैं, और इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिंपल येट एलिगेंट डिज़ाइन यूज़ किया गया। तो व्यूअर्स अब हम इसके वो फर्स्ट रूम के अंदर जा रहे हैं। यूजली जो 5 मरले का डिज़ाइन होता है उसमें 3 कमरे होते हैं, 1 नीचे 2 ऊपर। तो अब वो जो पीछे गली स्पेस छोड़ी जो कवर की गई है उसकी वजह से ये एक 5 मरले का ये रूम है, इसमें इतनी स्पेस दी गई है जितनी एक 10 मरले के कमरे में स्पेस होती है। तो ये बहुत बड़ी स्पेस है एंड दैट मेक्स इट अ वेरी गुड पॉइंट कि 5 मरले के अंदर आपको इतना बड़ा रूम नहीं मिलता ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, क्योंकि गली को स्पेस देनी होती है, दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ होती है। यहाँ पर वो नहीं है, प्लस आगे यहाँ पर वॉशिंग के लिए भी स्पेस दी गई है जिसको किचन से भी एक्सेस है और जिसको आगे आपकी इस रूम से भी एक्सेस है, यानी कि आप यहाँ पर अपना कोई सामान भी रख सकते हैं, अपनी वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी इस्तेमाल अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है, ये वुड जो अलमारियों के लिए यूज़ की गई है एंड दैट मेक्स इट गुड टू बी सीन, और अच्छा एक इसमें इन्होंने सिस्टम दिया हुआ है। एंड काफ़ी अर्से बाद मैंने ये डिज़ाइन देखा है कि जो शीशा है वो इसका बीच में गिवन है, तो यानी कि हर तरह की यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है। साथ इसके अटैच वॉशरूम है, और इसके अलावा अब हम आपको इसके किचन में लिए चलते हैं। तो व्यूअर्स ये इसका किचन है, किचन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ डिज़ाइन किया गया है, स्टेट ऑफ द आर्ट आई मार्ट से, क्योंकि इसके अंदर आपको हर तरह की चीज़ मिल रही है, हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है। एंड द मोस्ट लुक्रेटिव फैक्टर इज़ कि फ्रिज के लिए जो स्पेस अमूमी दी जाती है उससे ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर आपके ओवन की स्पेस दी गई है जिसका इलेक्ट्रिसिटी का वेंट भी गिवन है। ये आपका सारे का सारा सामान और फर्नीचर रखने के लिए जगह है जिसके अंदर ये इसकी जो स्लैब्स हैं वो इंस्टॉल कर दी जाएंगी। और इसके अलावा जो इस्तेमाल किया गया हुड इस्तेमाल किया गया वो सुपर एशिया का यूज़ किया गया, जो कि इस वक्त सबसे अच्छी क्वालिटी का मार्केट में इस टाइम इन है। और ये बड़ा अच्छा खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है रेड और वाइट कम्बिनेशन का, पर्सनली ये आजकल ट्रेंडिंग इन है और अच्छा लगता है, आपको सूदिंग आपको लगता है आपकी आइज़ को। और इसके अलावा जो डोर्स का इस्तेमाल है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, ग्लास का यूज़ किया गया और ग्लास भी अच्छी क्वालिटी का। इसके अलावा एक पाउडर रूम है, तो ये हमारा एक कम्प्लीट होता है फर्स्ट फ्लोर का एक पूरे का पूरा एनालिसिस। अब मैं आपको इसके ऊपर वाले फ्लोर पे लेके जाऊंगा जहाँ पर 2 रूम्स हैं, साथ एक TV लॉन्च है, तो चलिए आपको वो दिखाते हैं। हाँ जी, तो व्यूवर्स अब हम चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। नीचे वाले पोर्शन का आपको बता दिया, ऊपर वाले पोर्शन में 2 कमरे होते हैं। अभी हम आपको ले चलते हैं इसका फर्स्ट रूम दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये इसका एक पूरा TV लॉन्च है, अभी इसके साथ ही हमारा रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 2 एक्चुअली ऊपर वाले पोर्शन के हिसाब से। अब इस पर भी काफ़ी ज़्यादा एम्पल स्पेस है, ज़्यादा स्पेस इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। प्लस सबसे मज़ेदार इसका जो मुझे लगता है एज़ फ्रॉम द लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू, रेजिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजुअली जो दूसरे वाला रूम है इसको कोई खिड़की या कोई प्रॉपर एक्सेस नहीं दी जाती, यहाँ पर फर्स्ट टाइम इन्होंने ये एक्सेस दी है, यानी कि पीछे वाले रूम की भी वेंटिलेशन के लिए उन्होंने यहाँ स्पेस दी है ताकि एयर को क्रॉस किया जाए। और यहाँ पर आप अपना कोई भी सामान भी रख सकते हैं, अपनी प्लांटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। आगे हम चलते हैं इसके वॉशरूम के अंदर।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसका जो वॉशरूम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। मतलब अगर दो वॉशरूम्स को आप इकट्ठा कंबाइन करें तो ये एक बन रहा है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और जिसकी वजह से ये भी बहुत ज़बरदस्त, मेरी नज़र में तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेस इन्होंने वॉशरूम को दे दी है। इतनी वैसे देनी नहीं चाहिए लेकिन स्टिल दे हैड देयर ओन प्लान्स, तो वॉशरूम में भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। अब हम आते हैं इसके दूसरे वाले रूम की तरफ। बीच में ये एक छोटा सा इन्होंने ये स्टोर रूम दे दिया, इसको स्टोर रूम बना लें। अगर आप इसको कस्टम किचन, इसमें कोई वो अपनी स्लैब्स वगैरह बनाकर आप इसको किचन बनाना चाहते हैं, यू कैन मेक इट अ किचन। इसको कस्टम रखा गया है कि अपनी मर्जी और अपनी नीड और डिज़ायर के मुताबिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम आए हैं इसके इस टीवी लॉन्च के अंदर, जो कि एक अच्छा खासा है। यहाँ पे आपको एलसीडी की स्पेस दी गई है, ऊपर आपको दो जगह पे पंखों की स्पेस दी गई है, बीच में आपकी माउंटेड लाइट्स हैं जो, और सीलिंग वर्क भी सिंपल बट बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसे डिज़ाइन किया गया। किसी भी मॉडर्न आर्किटेक्चर का ये बेहतरीन, एक सिंपल बट येट बेहतरीन डिज़ाइन है। वैसे भी DHA के अंदर कॉस्ट ऑफ लैंड बहुत एक्सपेंसिव है, तो इस प्राइस के अंदर जो मैं अभी आपको बताऊँगा उस प्राइस में मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अपना ये सारा मैनेज कर एम्पली अच्छा मैनेज किया। बाकी अब हम इसके ये रूम नंबर 3 में आ जाते हैं, जिसको फ्रंट लगता है, जो फ्रंट के ऊपर है। अगेन दिस रूम इज़ वेरी मच एब्सोल्युटली स्टनिंग फ्रॉम द व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के सामने से व्यू बड़ा ज़बरदस्त आता है इसके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि जितने भी घर बनाए जा रहे हैं ये सब फेसिंग पार्क है, तो अभी भी अगर आप कैमरा मैन आपको दिखाएं तो इसके सामने भी पार्क है, इसके सामने भी पार्क का व्यू है और वो पार्क भी डेवलप होना है, और इसके साइड पे भी पार्क है। और ये है भी एक टी के ऊपर, जहाँ पर एक्चुअली वी के ऊपर है, जहाँ पर आपको स्पेस भी ज़्यादा मिल जाती है पार्किंग की, और आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर फैमिली अगर आपकी आती है तो आपको यहाँ पर अच्छा एक, जिसको कहते हैं कि पार्किंग के लिए आपको अच्छी स्पेस मिल जाती है। तो इसके अलावा इसका भी वॉशरूम है जिसकी उतनी स्पेस है। और अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बड़ी अच्छी चीज़ जो है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं इतनी तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ, लेकिन वाकई ये घर की जो कंस्ट्रक्शन हुई है तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि नॉट फ्रॉम द टाइल्स और फिनिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो A+ फिनिशिंग कहीं भी की जा सकती है, लेकिन जो आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन रेडी किया है घर का, वो बहुत ज़बरदस्त है। हर चीज़ को स्पेस दी गई है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्रंट वाले रूम होते हैं, इनको कोई आगे से टेरेस नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पर फिर थोड़ा सा एक स्पेस दी गई है प्लांटिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए। और ये इसको आप ओपन करके यहाँ से आप क्रॉस वेंटिलेशन भी कर सकते हैं, जब भी मौसम अच्छा है, हवा चल रही है, जैसे अभी बड़ी ज़बरदस्त अच्छी हवा चल रही है, तो इसको आप खिड़कियों को ये खोल कर अपनी ये जो जाली है उसको आप बंद करके, तो आराम से यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए भी हवा भी आपको बड़ी अच्छी आ सकती है। तो यानी कि वेंटिलेशन के ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से आपको AC कम यूज़ करना पड़ेगा, AC का जो एयर कंडीशनिंग है उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, और डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके बिल्स के ऊपर भी पड़ता है। तो बाकी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आर्किटेक्ट ने इस घर को बहुत अच्छा डिज़ाइन किया, और इसी तरह के बाकी घर भी बने हुए हैं। वो ग्रे स्ट्रक्चर है, ये मॉडल हाउस था जो हमने आपको दिखाया। प्राइस सबकी इक्वल है, और जो प्राइस है वो 2,30,00,000 से लेकर 2,35,00,000 के ऊपर है। अब अगेन इस प्राइस के अंदर आपको यूज्ड घर भी DHA में नहीं मिलता, आपको ब्रांड न्यू घर मिल रहा है इस प्राइस के अंदर। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो लोग जो बहरिया या DHA के अंदर, खास स्पेसिफिकली DHA के अंदर रेजिडेंस एक्वायर करना चाह रहे हैं, ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, बट दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी ब्यूटिफुल और ये बेहतरीन आइडियल है फॉर द सेक ऑफ रेजिडेंस। व्यूअर्स, ये अब आज का हमारा शॉर्ट सा टूर आपके लिए हम लेकर आए थे, वर्चुअल टूर इस प्रोजेक्ट का। ये 10 घर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ये मॉडल हाउसेज हैं 2, और डेफिनेटली जो अगले आने वाले ये जो बाकी जो घर हैं उनके अंदर अभी ये ग्रे स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनकी फिनिशिंग 2 महीने में कम्प्लीट हो जाएगी। अगर आप अभी परचेस करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से इनके आर्किटेक्ट्स और इनके डिज़ाइनर्स और टीम के साथ बैठकर अपनी मर्ज़ी की फिनिशिंग करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो कस्टम फिनिशिंग एक मॉडल हाउस में की गई है, यूजुअली कस्टम लेवल की फिनिशिंग होती है जो मॉडल हाउस में होती है, तो मॉडल हाउस में जो की गई है वो हो, आप उसको अपनी मर्ज़ी से एलिवेट भी करवा सकते हैं, आप उसको अपनी मर्ज़ी से चेंज करवा सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ 4 डिज़ाइन हैं,
एक ये सिंपल डिज़ाइन है, एक मॉडर्न डिज़ाइन है, स्पेनिश है और एक इटालियन एलिगेंट डिज़ाइन के साथ है। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट जो है बड़ी ज़बरदस्त जो है इसकी एक हाइप है मार्केट के अंदर, और शायद इसी वजह से कि जो इनका डिज़ाइनिंग का जो आर्किटेक्ट्स का जो अंदर का डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा है, जो कि बेसिक कोर होता है। तो हाईली रिकमेंडेड है टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म की तरफ से, जो लोग घर खरीद के रेजिडेंस रखना चाहते हैं, जो एंड यूज़र्स हैं, और जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसको परचेज करके इसको रेंट आउट करना चाहें तो वो भी फ्रॉम द रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू भी तकरीबन आपका 70,000 to 80,000 आपका ये पूरे का पूरा यूनिट रेंट आउट हो सकता है। तो वैसे तो रेंट आउट करने के बजाय मैं तो रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आकर अपनी रेजिडेंस एक्वायर करें, क्योंकि DHA के अंदर एक ड्रीम सॉर्ट ऑफ थिंग समझी जाती है, DHA या बहरिया के अंदर घर लेना या घर रखना। तो आई थिंक अभी कम प्राइस के अंदर एज़ कम्पेयर टू द प्राइसेस इन द DHA प्राइसेस अभी कम है इस घरों की। तो परचेस के रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए बुकिंग की डिटेल्स के लिए, मेरे जो मेरा गिवन नंबर है उसके ऊपर आप रब्ता करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।